बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको डॉलर रेट और रियाल रेट के जो आज का रेट चला जी उससे अपडेट कर दूंगा मैं आपको। डॉलर रेट के मतलब पहले बता दूं मैं, जो कि रोज़ बरोज़ नीचे ही आ रखा था और आज इसके ऊपर ब्रेक लगी है जी। यानी कि 181.55 रेट था, आज भी 181.55 ही रेट रहा है और मुझे लग रहा है कि कल या परसों में ये अभी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। बहरहाल अगर रियाल रेट के मतलब बात करें तो रियाल रेट में मैंने बेहतरी देखी आज कल की निस्बत, पिछले कुछ दिनों की निस्बत आप बोल रहे हैं। पहले तो आपको पता है एक्सचेंज रेट 49+ में भी यानी 50 के करीब जा चुका था, लेकिन उसके बाद जैसे डॉलर नीचे है, रियाल के ऊपर भी कुछ मैंने देखा कि वो भी नीचे है। बहरहाल आपको एक्सचेंज रेट दिखा रहा हूँ मैं, इसी से आप अंदाजा खुद भी कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से बात करें एक रियाल के मुतलक तो 48.38 अभी भी रेट है, और इंडिया की बात करें तो 20 रुपए, एंड बांग्लादेशी टके की बात करें तो 22.65 हलाले। आप अगर कल का रेट 23 था जी, आज 22.65 यानी कि 35 पैसे एक ही दिन में गिरा है ये भाई। बहरहाल इसके मतलब क्या बहस करेंगे, अभी पाकिस्तानी रुपया क्यों ऊपर जा रहा है और बांग्लादेशी एंड इंडियन रुपया या टके वगैरह है जो वो क्यों रुके हुए हैं, इसके मतलब आप बाखूबी जानते हैं जी। फौरी बैंक अलजीरा की बात करें, दूसरी बैंकों के हिसाब से आपको बता दूं 47.81 इनका रेट है, 10 रियाल इनकी फीस है, कल की नस्बत इनका रेट आज रेट कुछ अच्छा है जी। एसटीसी पे की बात करें तो 47.76 रेट है और 17 रियाल इनकी फीस है, एंड तहवील राजी की बात करें राजी बैंक यानी के तो इनका रेट भाई 47.75 हलाले चलाया जी और इनकी 10 रियाल फीस है। और अगर बात करें वेस्टर्न यूनियन की 47.90 सबसे हाई रेट अभी तक इनका ये वेस्टर्न यूनियन 23 रियाल की फीस है, एंड मनीग्राम की बात करें तो 48 रुपये रेट है जी, सबसे हाई रेट मनीग्राम एंड वेस्टर्न यूनियन दे रहा है इस वक्त तो 23 रियाल की फीस है। एंड टेलीमनी ANB बैंक की बात करें तो आपको 47.97 मिलेगा रेट, इनका रेट भी आज हाई है। और अगर बात करें इंजाज बैंक की तो 47.85 इनका रेट है, 47.85 इनका रेट है, इनका रेट भी ठीक जा रहा है। तो जो बैंकों की फीस होती है वो कास्ट कर लें, आप जब पैसे भेजते हैं उसके हिसाब से फिर जब दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या रेट है।